नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नी जी में। आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए जो हम साइंस का सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रहे थे, उसमें आज का हमारा दूसरा पार्ट है। जनरल साइंस में हमने अभी जो आपको फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड किया था, उसमें महत्वपूर्ण 30 वन लाइनर्स की जानकारी प्रोवाइड की थी। वो महत्वपूर्ण वन लाइनर्स है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। पार्ट टू उसके आगे के अपडेटेड क्वेश्चन हैं, तो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि एक एक सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे रेगुलर रूप से आपको अपडेट्स मिलती रहें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल किस रूप में यात्रा करते हैं? तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, एक संचार का माध्यम है, इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो प्रकाश तरंगों के रूप में यात्रा करते हैं। और ये प्रकाश तरंगे इसमें ऑप्टिकल फाइबर में छोटे छोटे पल्सेस के रूप में भेजी जाती हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल्स जो है वो लाइट वेव्स की तरह, प्रकाश तरंगों की तरह यात्रा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है रमन प्रभाव किस माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है? इसमें कई बार अलग अलग इसमें ऑप्शंस पूछे जाते हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, रमन प्रभाव सभी पारदर्शी माध्यमों में गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयनों का गठन कैसे होता है? तो जो आयन होते हैं, आयनों का गठन इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होती है तो आयन बनते हैं। नेक्स्ट सवाल है वह बंध जो तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, तो वह बंध क्या कहलाता है? तो वह बंध जो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इधर से उधर ट्रांसफर करने से बनता है, वो आयनिक बंध कहलाता है। अगला सवाल है मानव रेटिना, जो मानव नेत्र की रेटिना होती है, जो हम लोगों की रेटिना होती है, उस पर बनाई गई छवि किस प्रकार की होती है? यहाँ पर प्रकाश लिखा हुआ है, ये टाइपिंग एरर है, आप प्रकार पढ़ेंगे। तो जो मानव रेटिना है उस पर बनाई गई छवि होती है उल्टी और वस्तु से छोटी। आप कभी भी देखेंगे तो जो मनुष्य की आंख में जो भी इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वह वस्तु से एक तो छोटी होती है और दूसरी उल्टी होती है। अगला सवाल है पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल जिसके पैरामीटर्स रहते हैं 7 तक, पीएच 0 से लेकर के 7 तक जो हम ग्रेजुअली बढ़ते हैं तो पीएच अम्लता को प्रदर्शित करता है, और 7 से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वह क्षारीयता को व्यक्त करता है। तो इस पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो इस पीएच स्केल की खोज की गई सोरन सेन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है वह दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध अम्लीय होता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 6.6 के आसपास होता है। कई बार मानव रक्त का पीएच भी पूछा जाता है, हालांकि हमने पीएच के वीडियोस आपको डिटेल में भी प्रोवाइड किए हैं। तो मानव रक्त का जो पीएच होता है वो अल्प क्षारीय होता है, जो 7.4 से लेकर के 7.8 तक होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हीटर का जो कॉइल होता है वो किसका बना होता है? जो घरों में विद्युत हीटर यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए या अन्य कामों के लिए, तो उसका जो क्वाइल होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम जिसका गलनांक बहुत ज्यादा उच्च होता है, इस वजह से इसका इसमें प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है निर्वात में गुरुत्व के अधीन नीचे गिरते हुए पिंड में क्या स्थिर रहेगा? मान लीजिए कोई वस्तु है जो निर्वात में ट्रेवल कर रही हो और वो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के अधीन है और कंटिन्यूअसली वो नीचे गिर रही है, तो इसमें जो कॉन्स्टेंट रहने वाली चीज है वो है उसकी मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा उसकी कांस्टेंट रहती है, और यांत्रिक ऊर्जा होती क्या अगर यह पूछा जाता है, तो किसी भी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट के कार्य करने की जो कुल क्षमता होती है वह उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण म्यूचुअल प्रेरण पर कार्य करता है? तो जो म्यूचुअल प्रेरण होता है उस पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह कार्य करता है। हिंदी में ट्रांसफार्मर को परिणामित्र बोलते हैं, तो अगर परिणामित्र लिख के आता है तो आप उसको सही करके आएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं में रस्ट किस प्रकार का रोग है? तो जो गेहूं में जो रस्ट लगता है यह एक फंगस है या एक कवक के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है।
अगला सवाल है, कोई व्यक्ति जमीन पर से ज्यादा दबाव कब डाल सकता है? ऑप्शन अलग अलग रहते हैं, जैसे जब वह लेटा हुआ हो, जब वह दोनों पैरों पर खड़ा हो, जब वह एक पैर पर खड़ा हो, जब वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा हो। तो इसका जो सही आंसर रहता है वो होता है कि जब व्यक्ति एक पैर के अंगूठे पर खड़ा हो तो वह अधिकतम दबाव डालेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इक्वल टू जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वह दाब कहलाता है। तो इस वजह से जितना कम क्षेत्रफल रहेगा उतना ही अधिक दबाव पड़ेगा। अगला सवाल है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो जो टिक्का रोग है यह मूंगफली का एक आम रोग है, मूंगफली की जो फसल होती है उसमें एक आम रोग है। अगला सवाल है, चाय का लाल रतुआ रोग किस कारण होता है? चाय की पत्तियों पर लाल कलर के जो धब्बे बन जाते हैं वो चाय का लाल रतुआ रोग कहलाता है, और यह हरे शैवाल के कारण होता है। अगला सवाल है, सहसंयोजी बंध का अन्य नाम क्या है? सहसंयोजी बंध, जिसको हम इंग्लिश में कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इसको अन्य नाम में हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड के रूप में जानते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन्स के बांटने से बनने वाला बंध होता है। मतलब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरण से जो बनता है वो आयनिक बंध होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स के बांटने से बनने वाला बंध है वो हमारा मॉलिक्यूलर बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो हम सहसंयोजी बंध को मॉलिक्यूलर बंध के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो जो प्रकाश का रंग होता है वो निर्धारित होता है उसकी वेवलेंथ के अनुसार, जो उसका तरंग दैर्ध्य होता है उसकी उससे उसको निर्धारित करते हैं। और जो एक सवाल और इससे बनता है वो ये कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो वह 400 nm से लेकर के 800 nm तक होती है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो हमारी 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। और इसमें देखिए तीन तरीके की तरंगें होती हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। वो तरंगें जो 20 हर्ट्ज और इससे कम की होती हैं वो अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। श्रव्य तरंगें जो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की रेंज की होती हैं उनको श्रव्य तरंगें कहते हैं, और पराश्रव्य तरंगें जो 20,000 हर्ट्ज और इससे ज्यादा की होती हैं उनको पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। तो इससे रिलेटेड ये सवाल भी पूछा जाता है। अगले सवाल पे जाएंगे, तो अगला सवाल है, लेजर किस प्रकार के विकिरण का उत्पादन करता है? लेजर जो कि आज मानव जीवन में बहुत जगह पे उपयोग किया जाता है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, तो लेजर जो है ये किस प्रकार के विकिरण को उत्पन्न करता है, उत्पादन करता है? तो ये हमारा उत्तेजित विकिरण या सिमुलेटेड रेडिएशन को उत्पन्न करता है। अगला सवाल है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विकिरण का प्रयोग किया जाता है? जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है उसमें हम इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, मान लीजिए मानव शरीर का जो अग्नाशय है वो सही से कार्य नहीं करता है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब मानव अग्नाशय खराब हो जाता है या सही से कार्य नहीं करता है तो मानव शरीर में इंसुलिन और जो ग्लूकाइन है इसका गठन नहीं हो पाता है। अगले सवाल पर जाएंगे, तो प्रसव के दौरान कौन सा पीयूष हार्मोन निर्मुक्त होता है? तो प्रसव के दौरान जो पीयूष हार्मोन निर्मुक्त होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन्स क्या होते हैं? तो इंसुलिन हार्मोन्स पेप्टाइड होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सोडा वाटर की जो खोज की वो जोसेफ प्रीस्टले के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन खोने पर कौन सा आयन प्राप्त होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर कौन सा आयन होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा आयन होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन खोता है उस पर धनायन और जो ग्रहण करता है उस पर ऋणायन होता है। नेक्स्ट है, परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो परमाणु भार एटॉमिक वेट जो है वह प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। सो दोस्तों, ये पार्ट टू के वीडियोस थे जिसमें महत्वपूर्ण सवाल आपको आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उनको प्रोवाइड किया गया। पार्ट थ्री आपको नेक्स्ट कल अपडेट किया जाएगा।
अगर आपने वीडियो देखा है तो आप इसको जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, शेयर करें अपने अन्य साथियों तक और इसका लाभ पहुंचाएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस करना है, इंश्योर होना है कि रेगुलर रूप से आपको नोटिफिकेशन मिल रहे हैं। अन्य वीडियोज की श्रृंखला आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर जो आई की बटन है उस पर क्लिक करके भी सारे वीडियो देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के हमारे जितने भी क्रैश कोर्स चल रहे हैं या डिटेल की विज्ञान की श्रृंखला है उनको जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।